मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तरीय संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, जिसका पूरा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। इसलिए सारे कार्यकर्ता कमर कसकर अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहें। 2018 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि आज पूरी विधानसभा में हमारे चारों विधायक निडरता निर्भीकता से समाज हित में विधानसभा में सवाल उठाकर समाज हित ऐसी कार्य करवाने के लिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं। यदि हम सभी ने संगठित होकर प्रयास किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे विधायक ही सारे विधानसभा में होंगे। इसलिए अभी ये से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने प्रतिनिधि से खास बातचीत के दौरान कहा है कि जिस भाजपा सरकार के विधायक को घुटन महसूस होने लगी है, उसका पार्टी का विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा, ये आप सभी समझते हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और जमीनी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। ऐसी पार्टी पर चुनावी वर्ष में जनता भी भरोसा नहीं करेगी। जिस पार्टी में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, वहाँ जनता की कैसे होगी। बहुजन समाज पार्टी 2018 के चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में है और आज भी मेरा जो शिवनी मालवा विधानसभा में आना हुआ है तो निस्संदेह रूप से इधर की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, समीक्षा करने के लिए आया हुआ हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत बन के तैयार हो रही है, उसके बलबूते पर मैं कहता हूँ कि 2018 में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से सरकार में जाएगी। सिवनी मालवा की आपने बात की, सिवनी मालवा भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका है, इसमें इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन उसमें ना कांग्रेस कुछ कह रही है ना बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इन सारी बातों को विधानसभा में हमारी पार्टी के जो चार विधायक हैं, चारों विधायक पूरी विधानसभा के हर क्षेत्र में जितनी मजबूती के साथ में, जितनी निर्भीकता के साथ में, जितनी निडरता के साथ में, चाहे वो किसानों के मामले हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे घोटाले के मामले हों, हर मामले में सरकार को घेरने का काम करती है और जितनी बुलंदी के साथ बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल नेता और चारों विधायक मिलके उसको उठाते हैं, वह अपने आप में ही बेमिसाल है। आप जाकर विधानसभा के रिकॉर्ड को देखने का काम करते हैं। और आप पत्रकार साथियों ने जो एक आयोजन किया हुआ किया था, उसमें बहुजन समाज पार्टी के चार विधायकों में दो विधायकों को पुरस्कृत करने का काम किया है, तो इस बात का ही मिसाल है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक अपनी जवाबदेही को पूरी तरह से निभाने का काम कर रहे हैं। आप विधायक की बात कर रहे हैं तो अभी क्षेत्रीय विधायक ने, पूर्व मंत्री ने कुछ दिन पहले एक पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है, इस विषय में बहुजन समाज पार्टी का क्या कहना है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब इससे साफ सिद्ध हो रहा है, जिस पार्टी की सरकार का विधायक अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस करे और अपनी पार्टी के विरोध में बोले, तो आप समझ सकते हैं कि उस सरकार के कितने बुरे हाल होंगे और वो सरकार कितनी जो है नाकामयाबी के साथ में चल रही है, कितना उसके सरकार का ये असफलता का इससे बड़ा और कारण दूसरा। शिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।